अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। तो नमकीन गोश्त बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। ये ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं किए, दरमियाने साइज़ के टुकड़े किए हैं। मैंने एक बड़ी प्याज ली है जिसे चॉप कर लिया है। मैंने एक टीस्पून जो है वो साबुत धनिया लिया था और उसे जो है वो कूट लिया है। एक टीस्पून सफेद जीरा पाउडर लिया। मैंने सफेद जीरे को पहले जो है वो भून लिया था और उसके बाद उसका पाउडर बनाया है। एक टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। एक टीस्पून नमक लिया है और एक टीस्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। और एक से दो टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। मैंने जो है वो तेल डाल दिया है पतीली में और अब मैं स्टोव ऑन कर रही हूँ। तेल को थोड़ा सा गर्म कर लूंगी और फिर इसमें जो है वो गोश्त डालूंगी। मैं इसमें सारा गोश्त डाल दूंगी। सारा गोश्त डाल दिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी ताकि ये जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसमें और इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट सा हो जाए। इसका कलर जब चेंज हो जाएगा फिर मैं इसमें अदरक पेस्ट डालूंगी। गोश्त का कलर चेंज हो गया और गोश्त ने जो है वो पानी भी अपना छोड़ा है। अब मैं जो हूँ वो इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। मैंने एक जो प्याज काट के रखी थी वो सारी प्याज इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। और अब मैं जो हूँ वो इसे हल्की आंच पे करके 5 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि प्याज जो डाली है उसमें वो सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं 5 मिनट बाद जो है वो इसे चेक कर 5 मिनट हो गया है और अब मैं जो हूँ वो ढक्कन हटा के इसे चम्मच चलाऊंगी। इसे मिक्स कर दूंगी। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। साबुत धनिया, नमक मिर्च और जीरा पाउडर वो सब इसमें डाल दूंगी। मैं सबको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मैंने सबको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि जिसमें गोश्त गल जाए। और चम्मच जो है वो हाथ से झटकार के निकाल लूंगी और इसे हाई फ्लेम पे कर दूंगी, फुल आंच कर दूंगी ताकि जो है वो इसमें उबाल आ जाए। गोश्त में जो है वो उबाल आना शुरू हो गया है और अब जो है वो मैं इसकी हल्की आंच करके इस पे ढक्कन रख दूंगी ताकि अपने अंदर ही अंदर पक के और गल जाए। और फिर जो है वो मैं इसे 1 घंटे बाद चेक करूंगी और इस पे ढक्कन रख दूंगी ताकि अपने अंदर ही अंदर पके। मैंने 1 घंटे बाद चेक किया था, गोश्त नहीं गला था। मैंने जो है वो और 1 घंटा इसे छोड़ दिया था गलने के लिए। अगर इसमें पानी कम हो जाए तो आप और पानी डाल दीजिएगा अगर गोश्त ना गले तो। और अब जो है वो 2 घंटे हो गए हैं इसे और मैं जो हूँ वो अब इसे चेक कर लेती हूँ। और गोश्त जो है वो गल गया है। बार दफा गोश्त जो होता है वो गलने में बहुत मसला करता है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। मैंने इसे इसमें जो है वो थोड़ा सा शोरबा रखा है, मुझे शोरबे वाला बनाना था तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो शोरबा रखा है। अगर आपको भुनावा चाहिए हो तो इसमें जो है वो इसे थोड़ा और पका लीजिएगा।
जो है ताकि इसका शोरबा खुश्क हो जाए। और अब जो है वो ये तैयार हो गया, गोश्त भी गल गया। मैं स्टोव बंद करूंगी और इसे जो है वो सर्व कर दूंगी। नमकीन गोश्त तैयार हो गया है, आप इसे चाहे तो नान के साथ खा सकते हैं, और अगर आप इसे ऐसे ही खाना चाहते हैं, आपको शोरबे वाला नहीं पसंद, भुनावा पसंद है, तो इसका जो शोरबा है वो खुश कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।